शलवार कमीज के बारे में कुछ दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू ये इसी तरह की बात जब मैं फ्रांस में करता था पेरिस में करता था लोगों के पास जवाब नहीं होता था दे नेवर हैड आंसर्स तो मैं ये कह रहा था कि शलवार कुर्ता यहाँ लोग पहनते एंड वेरी फनी क्लफ लगा के पहनते आई डोंट नो फॉर सम रीजंस एक तो उसमें कितना तकब्बुर होता है ऐसी फूला हुआ होता है जब धोबी के पास से शलवार कुर्ता क्लफ लग के जब आता है और आपको कहीं जाना होता है तो आप ये देखिए कि उसमें इजार बंद अगर अंदर चला गया है फॉर गॉड सेक लिसन टू मी अगर अंदर चला गया है तो उसको निकालने में इट टेक्स 10 मिनट्स जी 10 मिनट लगते हैं और वापस डालने में नारे को वापस डालने में इट टेक्स अनदर 10 मिनट्स ठीक है कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके बाद बटन को काज में घुसेड़ने के लिए 15 मिनट लगते हैं ठीक है और उसके बाद जो टाइम लगता है जो शलवार होती है उसको खोलते हैं आप ऐसे खींच खींच के मुक्के मार मार के उसके अंदर इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग ऑफ बॉक्सिंग जैसे नहीं होती उसमें मुक्के मार मार के वो उसको खोलते हैं एक मेरे आदमी को मैंने देखा मेरी कारखाने में काम करता है वो क्लफ लगा हुआ शलवार को उल्टा करके ऐसे सर के ऊपर ऐसे खींच रहा था और मैं चीखा मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग कहने लगा सर इसमें बहुत क्लफ है इसको खोल रहा हूँ यू नो इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस हमको पंक्चुअल होना चाहिए कितने मिनट हो गए अगर 75 मिनट्स हो गए नाउ यू कैलकुलेट अगर 14 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ लोग भी अगर शलवार कुर्ता पहनते हैं तो वो डेली 75 करोड़ मिनट ज़ाया कर रहे हैं एंड 75 करोड़ मिनट्स इफ़ यू जस्ट टर्न देम इनटू आवर्स तो वो बनते हैं तकरीबन 10,000 आवर्स 10 लाख घंटे बनते हैं माय गॉड कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हम 24 घंटों में से 10 लाख घंटे पाकिस्तानी सिर्फ शलवार कमीज पहनने में ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन मैं तो पूरी नेशन को बोल रहा हूँ कि इस तरह ना करें जी एक सेकेंड बातचीत जारी है मिलते हैं प्रोग्राम के श्रृंक होने के बाद